2022 का आखिरी हैशटैग आस्क बियर्डेड छोकरा का एपिसोड, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, लेट्स गो। I realize I have dandruff only cause of dryness. Could you please suggest a mild shampoo? Can you please make a video on useful products for winter? तो अभी यहाँ पे जो है useful products for winter के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, but अभी थोड़ा सा अपडेट हो सकता है। I am trying out a few other products. अगर मुझे ढंग के लगे तो मैं आगे फीचर करूँगा उनको, but as far as your dryness is concerned and आप shampoo की recommendation मांग रहे हो मुझसे, I would recommend skip the shampoo. Use only herbal powders like Triphala and Hibiscus. उसको mix करो equal quantity में with water. Use that as your shampoo and आपका dryness का issue जो है वो खत्म हो जाएगा. Next, can I take turmeric water during the fast? The answer is yes, but you have to have a stomach which is like very strong. Reason is because हल्दी जो है वो थोड़ी सी गर्म है. कुछ लोगों को हल्दी वाला पानी पीने से they start having पेट में जलन या डिसकंफर्ट इन द एब्डोमेन, वैसे सब हो सकता है. तो अगर आपको वैसे सब नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, तो आप हल्दी वाला पानी पी सकते हो. थोड़ा सा उसके अंदर ब्लैक पेपर डालना तो ही वो हल्दी का कुछ यूज है, बट रिगार्डलेस इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक योर फास्ट, तो बिंदास आप ले सकते हो. नेक्स्ट, व्हेन शुड चॉकलेट्स और स्वीट्स बी कंज्यूम्ड? इज इट बिफोर द मील और आफ्टर द मील? एज पर आयुर्वेदा स्वीट्स आर बेटर कंज्यूम बिफोर द मील. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी नाउ ओवर हियर, अगर आप एक वात या फिर पित्त प्रकृति के हैं तो फिर मील के पहले थोड़ा सा स्वीट खाना इज बेटर. सेकेंड थिंग, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स में बहुत बड़ा अंतर है. चॉकलेट इज एसिडिक, चॉकलेट इज रजसिक इन इट्स व्हाट डू यू से प्रॉपर्टी. तो चॉकलेट कैन इंक्रीज एसिडिटी अगर आप उसको खाली पेट खाओगे बिफोर द मील. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, चॉकलेट कैन ऑल्सो प्रिवेंट द अब्सॉर्प्शन ऑफ अ फ्यू विटामिन एंड मिनरल्स इन द बॉडी. तो इट विल बी बेस्ट कि आप खाना खाओ एंड उसके आधे पौने घंटे के बाद आपको अगर चॉकलेट खाना है तो आप चॉकलेट खाओ. दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू. सर, द बेस्ट ऑर्गेनिक डार्क चॉकलेट कौन सा है? व्हाट आई पर्सनली आई हैव बीन यूजिंग सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम लीविंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, वहाँ पे जाओ. मैं उनके कीटो चॉकलेट्स सालों से खा रहा हूँ एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड विद प्योर डार्क चॉकलेट, 100% डार्क चॉकलेट, वो भी मैंने रखा हुआ है. तो सारे लिंक्स मैं नीचे दे रहा हूँ, आप चेकआउट करो, जो पसंद आए वो आप खरीद सकते हो. विच इज़ द D3K2 कॉम्बो यू आर यूजिंग राइट नाउ? मैं वीडियो या फोटो आपके सामने डाल दूंगा, अभी मैं लेके नहीं बैठा हूँ, फॉर सम रीज़न मैं भूल गया. ये मैंने इंपोर्ट किया हुआ है US से, तो अभी फ़िलहाल मैं वो यूज़ कर रहा हूँ. मुझे इसका कॉम्बिनेशन जो है, डोसेज जो है, वो बहुत अच्छा लगा है. नेक्स्ट, हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव हेयर शेडिंग एंड हेयर थिनिंग एट द एंड्स? Now that could be because of the wrong shampoo. Your shampoo might be just over drying your hair, or it can be because of just brushing when your hair is wet, or brushing very harshly with plastic brushes when your hair is dry also. तो वो है ना, एक बार आप check कर लो. The best thing is कि अगर shampoo के ऊपर आपको doubt आ रहा है कि यार shampoo maybe is drying my hair out too much, then the best thing you can do is use diluted apple cider vinegar after your shampoo. Apart from that, if you are using a plastic brush, shift to a wooden brush or a boar bristle brush, that would also really show improvement in your hair texture and reduce the breakages that are happening. How do you wake up and get brisk very easily? The trick to this is waking up without an alarm. I feel this is something that has really changed the way I wake up in the morning. Yes, मैं इतना जल्दी नहीं उठ पाता हूँ जितना जल्दी मुझे उठना है, लेकिन जब भी मैं उठता हूँ I wake up with 100% energy. ऐसे नहीं होता कि अरे यार और 5 मिनट, या मैं exactly तभी उठता हूँ. मुझे लगभग 7.5 से 8 घंटे लगते हैं नींद के, but the moment I wake up, I am ready to take on the day, full energy, non-stop work. बट दैट इज़ द थिंग, अगर आपको बिना अलार्म के उठना है, यू हैव टू फर्स्ट रियलाइज़ कि आपको कितने घंटे की नींद चाहिए. अगर आपको पता चला कि भाई 7 घंटे की नींद चाहिए, तो 7 घंटे पहले आप सो जाओ, वो उतना मेक श्योर करो. जस्ट वर्क इन द रिवर्स ऑर्डर एंड सी इफ इट मेक्स अ डिफरेंस. आई फील दैट इज़ समथिंग दैट रियली हेल्प मी आउट, वेकिंग अप विदाउट द अलार्म. सेकेंड थिंग इज वेक अप एंड हैव ऑलमोस्ट 0.5 लीटर to 1 लीटर ऑफ वाटर. इन दैट आप नींबू डाल सकते हो, बट वॉट आई डू इज मैं ऑलमोस्ट 750 ml of water, उसके अंदर 2 पिंच
पिंक हिमालयन सॉल्ट के डाल के पहले पूरा वो घटक लेता हूँ. ओके, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बट पहले माय फर्स्ट एजेंडा व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग इवन बिफोर ब्रशिंग इज वो 750 ml पानी का पहले अंदर जाएगा, उसके बाद बाथरूम की सारी चीज़ें होंगी. वॉट दैट बेसिकली डज इज इट रिहाइड्रेट्स योर बॉडी. सॉल्ट मेक श्योर दैट योर ब्रेन इज एक्टिवेटेड, योर हार्ट इज एक्टिवेटेड, यू आर नॉट लो ऑन सोडियम, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. एंड वाटर मेक श्योर कि आप पूरे 8 घंटे जो पानी नहीं पिया है आपने, जो डिहाइड्रेशन की संभावना है वो भी नहीं होती. सो दैट इज समथिंग दैट आई रियली फॉलो. कैन वी यूज अ ग्रीन टी बैग इन योर रेमेडी? येस एंड नो. इफ यू आर यूजिंग कमर्शियल ब्रांड्स जो ब्लीच्ड टी बैग्स यूज करते हैं, देन द आंसर इज नो. बट इफ यू आर समवन हु इज गोइंग टू यूज वेरी हाई क्वालिटी टी बैग्स, जैसे मैं अगर कोई एग्जाम्पल दूँ तो फियरलेस करके एक ब्रांड है और टी बॉक्स करके एक ब्रांड है, दे हैव नॉन ब्लीच्ड ऑर्गेनिक टी बैग्स. तो अगर वो यूज़ कर रहे हो देन येस यू कैन यूज़ दैट इज़ वेल. लेकिन वो टी बैग के अंदर पाउडर्ड ग्रीन टी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होल लीफ ग्रीन टी होना चाहिए. That will make the really big difference. Next question, tips for reducing dark circles. The thing that really works for me is adequate sleep and less screen time, especially at night. Those two things really work for me. Uske ilawa eye mask jo main pehen ke sota hu, that also really helps. Cucumber mask जो मैंने बहुत बार शेयर किया चैनल के ऊपर, दैट ऑल्सो रियली हेल्प. सो गिव दिस अ शॉट. सॉरी थोड़ा पर्सनल पूछ रहा हूँ, बट आर यू मैरिड एंड लव योर कॉन्टेंट सिंस द लास्ट 2 years? थैंक यू सो मच दीपक. आर यू मैरिड? द आंसर इज नो, आई एम नॉट मैरिड. कब होगा, होगा भी कि नहीं, नो आइडिया, देखते हैं. माई पेरेंट्स आर नॉट ओके विथ मी हैविंग जस्ट 2 meals इन अ डे. इज इट फाइन इफ आई हैव 3 meals? यस यस यस. Do what suits you, have 3 meals, but make sure that if you are having 3 meals and if you were feeling good with 2 meals, but now khana hi hai 3 meal, to make sure that your breakfast is pure protein and fat. Make sure that your dinner and lunch has that carbohydrate source, but again lunch should have majority of the carbohydrate source and dinner should be extremely light, maybe like a ragi soup or a ragi dosa, or maybe 1 or 2 ragi parathas with a little bit of curd if it suits you. If not, then just with safed makhan. Portion control will be the key over here, and also what will be key over here is physical activity. You will have to work out to make sure that you're not just consuming way too many calories in the pretext of having 3 meals. Next, very interesting question. What is better for overall health, walking in the garden or working out in the gym? I would say a mixture of both. Working out in the gym is great for hypertrophy, is great for muscle building, is great for blood circulation, is great for strength. Walking in the garden barefoot with your feet in touch with mud, soil, grass, that is great for rejuvenation, that is great for chakra balancing, that is great for meditation, that is great for calmness, that is great for releasing stress. Maybe 3 days of strength training and 2 days or 3 days of nature based activities, and then 2 days of rest. Maybe you can work out something like that, and that would really help. How to successfully manage stress for college going people? I would say the absolute key over here for college going people is आप पढ़ाई का स्ट्रेस कम नहीं कर सकते, वो रहेगा ही रहेगा. आप फैमिली का भी स्ट्रेस कम नहीं कर सकते, वो लोग खून चूसने आएंगे ही आएंगे. कहाँ पे आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो इज दिस फोन टाइम, स्क्रीन टाइम वो कम करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 20 minutes ऑफ मेडिटेशन, ब्रीदिंग, चांटिंग, जस्ट इंकॉर्पोरेट दैट. One more thing that really, really helped me drastically when I was going through immense stress during my college days was walking. Just 1 hour of aimless walking. कहाँ जाना है पता नहीं, बस चलना है. Preferably during the daytime before college, if that's possible. If not possible, walk to college. At least a little part of your journey walk. वो भी नहीं हो सकता तो शाम को चलो. जो भी है कहीं पे भी वॉकिंग इनकॉर्पोरेट करो, दैट विल रियली हेल्प यू आउट. डज डेयरी कॉज हेयर लॉस? यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, देन हाउ डू यू गेट ऑल द न्यूट्रिशन? मे बी इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज आई टोल्ड यू गाइज दैट मुझे डेयरी से प्रॉब्लम होती है. एंड वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज
मुझे डेयरी से सिर्फ तभी प्रॉब्लम होती है व्हेन आई एम हैविंग कार्ब्स. नाउ व्हेन आई एम ऑन कीटो आई एम नॉट हैविंग एनी ग्रेन्स, नो कार्ब्स, नो नथिंग. एंड अभी जब मैं यू नो पनीर खा रहा हूँ, दही खा रहा हूँ, छाछ पी रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है. बट द मोमेंट आई हैव रोटी राइस एंड उस समय पे इफ आई स्टार्ट हैविंग डेयरी तब मुझे प्रॉब्लम होती है. सेकेंडली न्यूट्रिशन की आई एज आई सेड कोई कमी नहीं है बिकॉज वेजिटेबल्स है, सैलड्स है, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स है, बहुत कुछ है, तो वहाँ पे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, डज डेयरी प्रोडक्ट कॉज हेयर लॉस? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ. अगर आपको ऐसे लग रहा है, जस्ट अवॉइड इट फॉर अ मंथ एंड सी इफ इट बेनिफिट्स यू. यही थे आज के क्वेश्चंस गाइस. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू विद अनदर वीडियो. एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय.